हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। हम वापस वहीं रिस्पॉन हो चुके हैं जहाँ पे हम स्टार्टिंग में रिस्पॉन हुए थे, मतलब हमारी डेथ हो चुकी थी। बट कोई नहीं, अब दोबारा से हर चीज़ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ वुड इकट्ठी करनी पड़ेगी, जो कि हमेशा हर एक माइनक्राफ्ट का एक रूल होता है। मतलब उसके बाद मुझे टूल्स बनाने होंगे, बेड बनाना होगा। बट यार, मेरा सारा सामान, मतलब मैंने इतनी मेहनत से एक्सप्लोर किया, बनाया बनाया तो कुछ नहीं था, बट मैंने वो सारी चीज़ें इकट्ठा की थी। खैर, अभी दोबारा से हम अपना स्टार्ट करते हैं। और ओक ब्लॉक यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा अकासिया, जो अकासिया बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, बट वो जो पेड़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर। और यहाँ पे हमने बातें करते करते कुछ प्लैंक्स, स्टिक्स एंड हमने एक एक्स बना ली है। सो अभी हमें शिकार करना है भेड़ का। इधर आओ, इतना गुस्सा आ रहा है कि यार, मैंने तब बनाया था और मेरा सारा सामान गया। खैर कोई नहीं, अभी हम दूसरी को मारते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड, वेयर आर यू बेबी? बेबी की तो डेथ हो चुकी है, और हमें अभी थोड़े और पेड़ तोड़ने होंगे, ताकि तोड़ने होंगे, काटने होंगे। और अब अपना जो घर है वो हम बनाएंगे कुछ यहाँ आसपास के एरिया में, क्योंकि मुझे पता है मैं फिर से मरूँगी तो वापस यहाँ पे मेरा जो वर्ल्ड है वो जनरेट होगा। तो क्यों ना अपना घर यहीं पे बनाए जहाँ पे हम सबसे पहले स्पॉन हुए थे। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द न्यू जर्नी। बातें ना करते हुए हम अपने सीधा अपनी एक हट बनाएंगे, अपना बेड बनाएंगे, कुछ प्लैंक्स बनाएंगे, टूल्स बनाएंगे, फर्नेस बनाएंगे, खाना पकाएंगे, खाना खाएंगे, एक एक नॉर्मल बेसिस जर्नी स्टार्ट करेंगे। सो यही ब्लॉग मुझे सबसे ज़्यादा मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को ही कंटिन्यू करें। सो लेट्स गो सी दैट हाउ आई मेक माई हाउस। इट्स नॉट अ हाउस, इट्स अ हट। एंड आई होप सो कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी तो सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा शायद। खैर, नहीं किया तो आप कर देना, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ चुके हैं हम कुछ कोबल स्टोन ढूंढने के लिए, ताकि जो हट है उसकी रूफ में बनानी होगी। सो वो स्टोन से ही बनेगी, और फर्नेस भी चाहिए, मुझे टूल्स बनाने हैं ये। और वैसे मुझे यहाँ पे कोई केव नहीं मिली, और वैसे मैं वापस दोबारा विलेज में आ गई थी। थोड़ी बहुत यहाँ से मैंने अपनी जो क्रॉप्स वगैरह है वो इकट्ठा की थी, कि अपनी फार्मिंग वगैरह हम यहाँ पे करें। देन इट्स अवर फर्नेस, और इसमें हमने अपना जो रो मटन यहाँ पे डाल दिया, और वुड थी हमारे पास क्योंकि हमारे पास कोल वगैरह था नहीं, और हमारा जो खाना वो पक चुका था। एंड नाउ अगेन इट्स टाइम टू बिल्ड अप, बिल्ड अप।
हमारी हार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होगी एंड अभी तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हमें करने होंगे और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना दो पार्टीशन मैं इसके यहाँ पे करूँ, एक अपर जहाँ पे मैं अपनी लाइब्रेरी वगैरह बना सकूँ और नीचे जहाँ पे मैं रह सकूँ। मुझे समझ नहीं आया था मैं कौन से प्लैंक यूज़ करूँ, क्योंकि हर जगह आकाश है कि जो ट्री है मतलब जो प्लैंक है वो मैं यूज़ नहीं करने वाली थी, तो इसलिए मैं सोची कि क्यों ना जो दूसरे वाले जो प्लैंक है वो दूसरे वाले वो मैं यूज़ करती हूँ, और बीच में मैं स्टेयर्स लगाऊंगी और उसके जो नीचे है वहाँ पर भी मेरे को फ्लोरिंग करनी होगी। एंड सामान तो वैसे मैंने अभी इसमें नहीं लगाया था, वो मैं लगाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर अपना हाउस टूर दूंगी जो कि एक नॉर्मल ब्लॉगर की लाइफ में होता है। और बीच में मुझे मिरर्स वगैरह भी लगाने थे और अपना सामान मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी है मुझे, फ़िलहाल तो फार्मिंग भी करनी है। बट यार ये इस हट को बनाने में वैसे दिखने में बहुत सिंपल सी है, क्यूट सी है, बट इसमें बनाने में मेरी हालत इतनी फूल गई थी कि मेरे को समझ नहीं आया कि इसको बनाऊं या इसको ऐसे रहने दूं। मेरे मन में आता है कि क्यों ना मैं एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करूं जिसमें सिर्फ एक टाइनी वर्ल्ड हो, मतलब वहाँ पर इतनी मेहनत ना करो, बस छोटा सा घर बनाया टू और यस तैयार हो गए। अब मेरे को बार बार इतने सारे पेड़ काटने पड़े, मुझे मतलब वापस भी तो ग्रो करने होंगे। डिफोरेस्टेशन मैंने इतना किया है कि मुझे खुद नहीं पता। और घर में रोशनी करने के लिए मुझे टॉर्चेस बनाने होंगे। वैसे तो मुझे टॉर्चेस इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे लैंटर्न ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो एक घर को एक बेटर लुक देते हैं, बट फिलहाल तो मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें थी नहीं तो मैंने इसी से अपना काम चलाया। अभी मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी से पाथ वगैरह बनाती हुई, वैसे तो मुझे बनाना आता नहीं और मेरे पास इतने फ्लावर्स भी नहीं थे जो मैं डेकोरेट कर दूं, बट मेरे पास कोबलस्टोन थे भरपूर मात्रा में थे, तो मैंने सोचा इसी का यूज़ करते हुए बनाते हैं और देखते हैं कि एंड में इसका जो लुक है वो कैसा आएगा। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ में, नेहा मलिक, नेहा गेमिंग चैनल के साथ, यस आपकी रिपोर्टर। फाइनली पाथ का जो वर्क वगैरह था वो कंप्लीट हो चुका है, अभी हमारे घर की बारी है, देख सकते हो कैसा दिख रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया आपने यहाँ तक मेरे साथ बने रहे। वैसे तो मुझे अभी अपने घर पर दरवाजा भी लगाना जो कि मैंने अभी तक तो नहीं लगाया, बट कोई नहीं अभी जल्दी लगाएंगे। समझ नहीं आया कि उस घर दरवाज़ा लगाएं किस तरीके से, मतलब उसमें थोड़ा बहुत डेकोरेशन करना होगा, डिज़ाइन बनाना होगा, तो मैंने सोचा कि प्लैंक और फेंसेस वगैरह से थोड़ा सा अच्छा डेकोरेट करें, बट फिर से मैं एक दुविधा में फंस गई थी कि मेरे को समझ नहीं आता कि मैं वहाँ पर प्लैंक लगाऊं या फ्लावर पॉट लगाऊं, वो तुम देख सकते हो आगे वाली वीडियो में। खैर बातें होती रहेंगी, अगर वीडियो अच्छी लगी सो अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट एपिसोड जल्दी जल्दी आते रहेंगे, तो यस।